हेलो दोस्तों, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त लोग हैं जिनका ये क्लिकबैंक पर अकाउंट नहीं बन पा रहा है। यानी जब भी वो अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, किसी न किसी कारण से उनका अकाउंट डिसेबल होता जा रहा है। तो दोस्तों, सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। आपको 99% चांसेस हैं कि आपका क्लिकबैंक अकाउंट क्रिएट हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र यूज़ करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र को यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है IP क्वालिटी स्कोर। जैसे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे IP लुकअप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो हो सकता है आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाए, तो आप अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद आपको सिंपल इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर सिंपली आप जैसे कि देख पा रहे दोस्तों, 0 लो रिस्क है, जो कि मेरा फ्रॉड स्कोर है। अगर आपका भी इस तरह से दिखा रहा है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ एक चीज़ और देख लेना कि यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जैसा कि मेरा जियो जबलपुर इन दिखा रहा है, इस तरह से अगर कोई सा नेटवर्क हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके लिए आप आपके फ़ोन का हॉटस्पॉट भी देख सकते हैं। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लैपटॉप का यूज़ करें, जिससे कि चांसेस है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। मतलब तो इतना करने के बाद सिंपली आपको जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, इसका पूरा डाटा क्लियर कर देना है। इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। यहाँ से सिंपली क्लिक करके हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको ये जो भी सारी हिस्ट्रीज है, उसको सारी को यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। तो इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऑल टाइम को सिलेक्ट करना है। ऑल टाइम जैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर डाटा कर देना है। जैसे आप क्लियर डाटा को पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। जैसे ये क्लियर हो, एक बार क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको सारे जो टैब्स हैं इनको यहाँ से क्लियर कर देना है। पूरा एप्लीकेशन को क्लोज करके आपको एक बार फिर से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको दोस्तों clickbank.com सीधा टाइप कर देना है। जैसे आप clickbank.com को टाइप करेंगे, उसके बाद ये डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और लॉगिन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीड क्लिकबैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक या क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको आपकी डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि हम इंडिया से हैं, आप कहाँ से भी हो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया जैसे कि मैंने। उसके बाद यहाँ पर सिंपली जो भी मेरी डिटेल्स हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जिस तरह से कुछ डिटेल फिल करने का ऑप्शन आता है, तो आपको सिंपली वो यहाँ पर सारा कुछ फिल कर देना है। और थोड़ा नीचे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन वाला ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे। इसके क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले जाना है। और यहाँ से इसको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करके ज्वाइन क्लिकबैंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देन इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है। बहुत सारी बार दोस्तों यहाँ पर यहीं तक किसी का आता है और यहाँ पर डिसेबल हो जाता है, लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर का यूज़ करते तो आपकी स्टेप आगे बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और इसके बाद इसे क्लोज कर देना है। और यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर कंप्लीट माई प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। और एक बार फिर से आपको यहाँ पर सारे डिटेल फिल कर देना है, जो कि आपकी एड्रेस हो गया, पिन कोड, आपका कंट्री, सिटी, जो भी है, सारा कुछ फिल कर देना है। उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर आपका नॉमिनेट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपका वो नाम डालना है जो कि आपका बैंक अकाउंट हो, मतलब आपका जो भी बैंक अकाउंट जिस नाम से है, वही नाम आपको यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ लेट ऑप्टिमाइज पर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जो भी आप जैसे प्रमोट कर रहे थे, हमें प्रमोट क्लिकबैंक प्रोडक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे $25 से लेकर $100 तक सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों सेव पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पे एक सेटिंग और बाकी है, नहीं तो आपका अकाउंट वापस से डिसेबल हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से सेट होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट माय निकनेम पर क्लिक कर देना है। जैसा कि यहाँ आप कर देख पा रहे हैं, सारी स्टेप क्लियर करने के बाद ये ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको आपका निकनेम क्रिएट करना होगा। इसके बाद ही अकाउंट एक्टिवेट होता है। यहाँ पर सिंपली आपको क्रिएट अ निकनेम पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप अकाउंट टाइप चूज कर लेना, जैसे कि मैं एफिलिएट प्रमोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोडक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक नाम यहाँ पर एक नाम टाइप कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नाम टाइप कर दिया। दोस्तों आपको भी अपना यूनिक नेम टाइप कर देना है, जो कि आपका यूज़र नेम रहेगा। दोस्तों जब भी आप कोई होप लिंक जनरेट करेंगे, तो आपको वहाँ पर जब होप लिंक जनरेट करते हैं, उस टाइम आपको ये नाम इंटर करना होता है। जब भी आप इंटर करेंगे तो आपको एक होप लिंक मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो आपको यहाँ पर एक ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जो कि यूनिक हो, मतलब किसी ने यूज़ नहीं किया हो। सिंपली थोड़ा आपको जो भी आपको याद रहे उस तरह सा नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर सिंपली उसको आप धीरे से जैसा भी आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। एक बार जैसे ही आप इसको यहाँ पर फिल कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर
साइन अप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ये दोस्तों 99% केसों में ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अगर आपका भी होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।